हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज से शिरडी शहर अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया है। साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर विवाद इतना बड़ा कि शिरडी में लोगों ने विरोध में शहर ही बंद कर दिया। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिरडी के लोगों में गुस्सा है। यहां तक कि शिरडी से शिवसेना के सांसद सदाशिव लोखंडे भी अपनी पार्टी और सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो गए हैं। उद्धव ने परभणी जिले में मौजूद पाथरी गांव को साईं बाबा का जन्मस्थान घोषित कर दिया और इसके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। लेकिन आम लोगों की नाराजगी यह है कि यदि सरकार को विकास करना है तो वो विकास करे, करोड़ों रुपए यहां खर्च करने हैं तो वो करे, लेकिन साईं बाबा का इसे जन्मस्थान ना बताए। साईं का दरबार आज खुला है, यानी कि आम लोग जो दर्शन करने जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन शहर बंद है। शिरडी पाथरी विवाद पर कल कोई बड़ा फैसला हो सकता है। उद्धव सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा है कि सोमवार यानी के कल बैठक बुलाई गई है सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा। मुख्यमंत्री का मकसद शिरडी का सम्मान करना है और शिरडी और पाथरी के लोगों से चर्चा करके फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है। अब्दुल सत्तार का दावा है कि उद्धव ने औरंगाबाद में जनप्रतिनिधियों से मिलकर फैसला लिया था। सीएम उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मसले को लेकर कल बैठक बुलाई है। शिरडी पाथरी के लोगों के साथ कल बैठक करेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। साईं बाबा की जन्मस्थली को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक गांव को कुछ पैसे दिए हैं वहां पर डेवलपमेंट के लिए, उसी को लेकर विवाद है जिसके लिए आज शिरडी का बंद का आह्वान किया गया है। अब्दुल सत्तार जी जो मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में हमारे संग मौजूद है। आप बता रहे हैं सर कि जो बैठक हुई जहां पर यह निर्णय हुआ वहां मौजूद थे आप, क्या चर्चा हुई वहां पर? जो चुनाव क्षेत्र की, उनके डिस्ट्रिक्ट की, उनके तालुका की जो जो अड़चने हैं वो दूर करने के लिए पहली बार कोई मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया वो औरंगाबाद आए। औरंगाबाद आने के बाद में परभणी डिस्ट्रिक्ट की जब मीटिंग थी, परभणी के लोक प्रतिनिधि, वहाँ के MP, MLA, MLC सभी ने मुख्यमंत्री जी को ये बताया कि शिरडी के साईं बाबा का जन्म स्थान ये पाथरी है, इसके पहले की सरकार ने उसको मंजूरी दी थी काम को, वहाँ के विकास को, वहाँ के आड़ा खड़ा को, लेकिन पैसा रिलीज नहीं हुआ। और उस तरह से जब ये वहाँ लोगों ने मसला रखा, सवाल रखा, तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि हम साईं बाबा के उस जन्मस्थल को मदद करेंगे। शिवसेना के भी तमाम नेता थे। अब तो जो शिवसेना का सांसद शिरडी से वो भी विरोध कर रहा है, आपका खुद का नेता भी इस मामले में विरोध कर रहा है। जो संसद जो एरिया का है उस एरिया के लोग क्या मांगते हैं उस हिसाब से वो बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त संजय जी जाधव ये भी वहाँ MP मौजूद थे और उन्होंने भी ये बात रखी। इनका सबका सम्मान करते हुए उद्धव जी ने ये बात रखी। अभी सोमवार के दिन मंडे को इसकी मीटिंग बुलाई गई है। दोनों पाथरी के लोग भी, शिरडी के लोग भी इससे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे और चर्चा करके अंतिम फैसला लेंगे। निर्णय की बात कर रहे हैं सर, पर शिरडी की जनता ने तो मोर्चा खोल दिया है बिल्कुल सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, सांसद भी अब उनके संग खड़े हो गए हैं, तो ये जो पूरा द्वंद शुरू हुआ है अब इस पर क्या होगा? कोई अगर राजकीय चाल चलने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब हर तरह से देने के लिए मुख्यमंत्री जी सक्षम है। कोई राजकीय पॉलिटिकल अपनी राजकारण की रोटी सेकने की कोशिश कर रहा होगा तो इसमें वो नाकामयाब होगा। देखिए अब्दुल सत्तार जी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसमें षड्यंत्र की भी संभावना है, वो ये भी कह रहे हैं कि आगे जो बैठक होगी उसके बाद सब कुछ साफ होगा कि आगे क्या होना है। चेयरपर्सन उत्तम प्रसंग, अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। साईं के विवाद में शिवसेना में ही फूट पड़ गई है। शिरडी से शिवसेना के सांसद सदाशिव लोखंडे ने साईं पर उद्धव के बयान और फैसले के खिलाफ अब बागी तेवर अपना लिए हैं। आज पहला दिन है, कल रात 12 बजे से शिरडी बंद का ऐलान हुआ और शिरडी के व्यावसायिक जो है उन्होंने इस बंद को पूरी तरह से प्रतिसाद दिया है। अभी सब बातों पे बात करने के लिए हमारे साथ शिरडी के शिवसेना के खासदार है, शिवसेना के MP है लोखंडे साहब। जो कुछ ये जन्मवाद का ये सब्जेक्ट अब सामने आ रहा है, शिवसेना के उद्धव ठाकरे आप उसी पक्ष के हो, आपके पक्ष प्रमुख ने जो बात कही है आप उससे सहमत हो या आपकी भूमिका क्या है? मैं साई भक्त होने से पहला साई भक्त हूँ, फिर बाबा शिरडी का सांसद हूँ। मैं ये जो प्रस्ताव, जो बंद का प्रस्ताव किया उसके लिए साई भक्त का जो असुविधा हुई उसके लिए खेद व्यक्त करूंगा। मैं जो शिरडी के लोग और कृषि ये पंचकृषि से लोगों ने जो सेवा अन्नदान किया, चाय पानी किया, उसका शुक्रगुजार करता हूँ। और शिरडी के देवस्थान ने देखिए चाय पानी का और नाश्ते का व्यवस्था अभी करने के लिए बोले, सभी होटल बंद है, साई भक्त को जाने आने के लिए तकलीफ हो रही है, उसके लिए मैं एक सांसद होकर दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। मैं CM साहब से आज बात करूंगा और यहाँ से जो बाबा का तत्व है,
जो सबका मालिक एक, ये विधान है। कभी बाबा यहाँ 16 साल में आए थे, कभी 60 साल में, पात्री के लोग यहाँ डिमांड किया नहीं। हमारा एक ही बोल रहा है, बाबा ने कभी जात नहीं बताई, धर्म नहीं बताया, और इसका उल्लेख करके बाबा को बांटो मत, ये भूमिका खासदार करके मैं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव साहब को बोलूंगा। जिस तरह में हम लोग राष्ट्रपति आने के बाद दिल्ली गए थे, वैसे मुख्यमंत्री जी को सब पूरा हिस्ट्री बता के इसे शिरडी का जो पंचकृषि ने बंद किया है उसको बंद खत्म करके जो सुरक्षित जीवन व्यवस्था हुआ बंद, जन्म स्थान का विवादित काम बंद होएगा।